हे गाइस, अगेन वेलकम बैक टू एजुकेट करंट अफेयर सीरीज। होप यू आर डूइंग वेल। आज है 24 अप्रैल 2020 और 24 अप्रैल 2020 की जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज बनेगी सभी को हम डिटेल में जानेंगे। पूरा सेशन हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल रहने वाला है। ये आपके यूपीएससी, बैंक, एसएससी, एनटीपीसी, जिस भी गवर्नमेंट सर्विस की आप तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं आज की फर्स्ट न्यूज की तरफ। आज की फर्स्ट न्यूज है, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट इन अर्थ ऑर्बिट। किस देश ने पृथ्वी की कक्षा में पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है? तो हमारा आंसर होगा ईरान। तो ईरान ने अपना पहला मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया है। ऐसा नहीं है कि हर कोई कंट्री अपनी सैटेलाइट लॉन्च करता है, किसी को किसी के हेल्प के थ्रू ये लॉन्च करनी होती है, लेकिन ईरान ने अपना खुद की टेक्नोलॉजी से ये फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च की है। अभी तक सिर्फ 12 कंट्रीज ने ये लॉन्च किया है और अभी ये 13वां कंट्री हो गया है ईरान। मतलब अब मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करने वाले सिर्फ 13 कंट्रीज है पूरी दुनिया में, ये भी हमें पता होना चाहिए। और ये ईरान ने लॉन्च किया। अच्छा, ईरान ने क्यों? ताकि अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। अभी आपको पता है कुछ दिनों पहले अमेरिका ईरान के आर्मी चीफ कासिम सोलेमानी को मार दिया गया था वहां पे अमेरिका में। उसके बाद अमेरिका उसको धमकी दे रहा, अमेरिका को, अमेरिका ईरान को धमकी दे रहा है। तो कैसे न कैसे अब ईरान अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ईरान पहले 4 बार इसे लॉन्च कर चुका है, अभी 5वीं बार इसने ये सक्सेस प्राप्त की है ये फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करने में। ईरान की बात करें तो ईरान तेहरान तो यहाँ पे कैपिटल चलती है और लीरा यहाँ पे करेंसी चलती है। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानी तो यहाँ पे क्या चलती है? करेंसी चलती है और काबुल इसकी कैपिटल है। और यहाँ के अभी प्रेसिडेंट वापस से नए कौन बन गए? अशरफ गानी, जो कि पहले भी वो थे और अभी वापस से इनको चुन लिया गया है। किनको? अशरफ गानी को। अच्छा, तुर्की की बात करते हैं तो तुर्की की लीरा तो यहाँ पे करेंसी चलती है और अंकारा यहाँ की क्या है? कैपिटल है। अंकारा यहाँ की कैपिटल है और लीरा यहाँ पे करेंसी चलती है। आर्मेनिया की बात करते हैं तो आर्मेनिया में येरेवान तो यहाँ पे कैपिटल है और दिरम यहाँ की क्या है? करेंसी है। ये हमें पता होना चाहिए। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो अगली न्यूज है, विच इंडियन स्टेट हैज बिकम फर्स्ट COVID-19 फ्री स्टेट। कौन सा भारतीय राज्य पहला COVID-19 मुक्त राज्य बन गया है? तो अभी हमारा गोवा राज्य पहला COVID-19 फ्री राज्य बन गया, यानी अभी वहां पे कोरोना वायरस का एक भी मरीज नहीं है। ये देखा गया है पिछले सात दिन में वहां पे कोई भी मरीज नहीं आ रहा। तो इसे ऑफिशियली अब COVID-19 फ्री स्टेट घोषित कर दिया गया। हालांकि गोवा को पहले भी ये मान ली, क्योंकि 7 दिन से कोई केस नहीं रहा, तो 7 दिन में ये माना जा रहा था कि अभी गोवा फ्री हो गया है COVID-19 से, लेकिन ऑफिशियली अनाउंस नहीं होता। ये ऑफिशियली भी कल अनाउंस हुआ है कि गोवा पहला राज्य बन गया है, और मणिपुर को भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया, लेकिन गोवा पहला राज्य बना है और दूसरा राज्य मणिपुर बना है। अभी अरुणाचल प्रदेश की भी यही बात चल रही है कि अरुणाचल प्रदेश में भी कोई केस नहीं आ रहे, तो अभी हो सकता है इसको एक दो दिन में इसको भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाएगी, अरुणाचल प्रदेश भी COVID-19 फ्री राज्य बन गया है। तो हमारे लिए इस न्यूज में सिंपल इतना इंपॉर्टेंट है कि गोवा COVID-19 फ्री पहला राज्य बन गया है। अभी गोवा 2-3 दिन पहले न्यूज में था कि यह पहला राज्य बना है जो आयुर्वेद यूज कर रहा है, किसमें? COVID-19 में। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ईटानगर इसकी कैपिटल है, पेमा खांडू मुख्यमंत्री और बीडी मिश्रा क्या है? गवर्नर है, राज्यपाल है। गोवा की बात करें तो पणजियां की कैपिटल है, प्रमोद सावंत यहां के मुख्यमंत्री और सत्यपाल मलिक गवर्नर राज्यपाल है। सत्यपाल मलिक पहले हिमाचल प्रदेश के थे, अब ये गोवा के बन गए। अब हिमाचल प्रदेश के कौन है? बंडारू दत्तात्रेय, यह भी हमें पता होना चाहिए। मणिपुर की बात करें, इम्फाल कैपिटल है, एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री है और नजमा हेपतुल्ला यहाँ के गवर्नर है, राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। केरल की बात करते हैं, केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और पिनरी विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री है और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर राज्यपाल है। इतना हमें इस न्यूज में पता चलता है। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एप्टा मित्रा ऐप एंड एक्सक्लूसिव टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14410। किस राज्य सरकार ने एप्टा मित्रा ऐप और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14410 लॉन्च किया है? हमारा आंसर बनेगा कर्नाटका। तो कर्नाटका सरकार ने एप्टा मित्रा ऐप और हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अच्छा, क्यों जारी किया है? अगर आपको कोई भी क्वेरी है कोरोना वायरस से संबंधित और कोरोना से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है तो आप इस एप्टा मित्र की सहायता से ले सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर इस पर कॉल करके ले सकते हैं। किसे संबंधित? कोरोना वायरस से संबंधित। अभी हर राज्य सरकार, हर देश अपने अपने हिसाब से कोई ऐप लॉन्च कर रहा है, कोई पोर्टल जारी कर रहा है,
कि लोगों को जानकारी हो कोरोना वायरस से संबंधित, अगर उनको कोई अफवाह है, कोई अफवाह उनके पास है तो वो उस अफवाह को कंफर्म कर सकते हैं इस एप्टा मित्रा के द्वारा, या जो भी कोई भी अपने अपने हिसाब से राज्य लॉन्च कर रहे हैं उनसे कर सकते हैं। तो अभी कर्नाटका सरकार ने भी इसे लॉन्च किया एप्टा मित्रा अपने नागरिकों के लिए, ताकि वो अवेयर रहे बीमारी के बारे में, उनको किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। अच्छा, कर्नाटका सरकार की बात करें तो इन्होंने और क्या क्या लॉन्च किया था अभी। जनसेवा स्कीम इन्होंने लॉन्च की थी, नमस्ते और हैंडशेक इन्होंने लॉन्च किया था, कोरोना वॉच इन्होंने लॉन्च की थी क्वारंटाइन लोगों को ध्यान रखने के लिए। अच्छा, आंध्र प्रदेश सरकार की बात करें तो आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी रतनालु पेंडल लेंडर की इलू कार्यक्रम की शुरुआत की थी आंध्र प्रदेश ने, और वाईएसआर निर्मल पोर्टल जो अभी हाल ही में कुछ दो एक दो दिन ही हुए लॉन्च किए, और कोविड-19 पोर्टल, वाईएसआर निर्मल और कोविड-19 पोर्टल दोनों को साथ लॉन्च किया गया था, और एक मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटी ये भी आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च की थी। तमिलनाडु की बात करें तो मोदी किचन जो कि कोयबतूर, जो कि तमिलनाडु का एक जगह है कोयबतूर, वहां पे शुरू की गई थी मोदी किचन। और केरल की बात करें तो केरल प्लाज्मा थेरेपी को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है, और आयुर्वेद को अपनाने वाला गोवा, ये भी मैंने पहले आपको बताया है, और प्लाज्मा थेरेपी को अपनाने वाला केरला बन गया है। केरला की और क्या क्या स्कीम है, विजयमर्तम सहचरी वो भी केरला की है, ब्रेक द चेन इनिशिएटिव जो कि अभी कोरोना वायरस आता तब इन्होंने शुरुआत की थी, ब्रेक द चेन, योद्धाऊ एप्लीकेशन ये भी केरल सरकार की है, योद्धाऊ एप्लीकेशन। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्रोमुलगेशन ऑफ एन ऑर्डिनेंस टू अमेंड द एपिडेमिक डिजीज एक्ट, व्हेन वाज दिस एक्ट मेड। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महामारी रोग अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश की घोषणा की मंजूरी दे दी है। आपको बताना ये अधिनियम कब बनाया गया। हमारा आंसर होगा 1897, 1897 में ये बनाया गया एपिडेमिक डिजीज एक्ट। अच्छा, ये अभी न्यूज में था, कारण क्योंकि अभी स्वास्थ्य कर्मचारियों के ऊपर लोगों द्वारा पथराव किया गया, उनके साथ गलत बर्ताव किया गया, तो उनके खिलाफ कोई एक्शन हो इसलिए इस एपिडेमिक डिजीज एक्ट को अमेंड किया गया है, जिसमें 7 साल तक की तो सजा और 1 लाख रुपए तक का फाइन का इसमें अमेंड किया गया है, जो भी स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ गलत व्यवहार करेगा उनके लिए, तो इसलिए इस एक्ट को अमेंड किया गया। और ये भी न्यूज में है तो हमें पता होना चाहिए ये एक्ट कब बना था, तो 1897। अच्छा, 1895 में क्या हुआ था, हमारी इंडियन आर्मी की स्थापना हुई थी 1895 में। 1853 में हमारी इंडियन रेलवे की स्थापना हुई थी, यानी इंडियन रेलवे, हमारी जो इंडिया में पहली बार रेल चली थी कब, 1853 में। 1854 में हमारे इंडियन पोस्टल यानी डाक सेवा की स्थापना हुई थी, इंडियन पोस्टल की, भारतीय डाक सेवा की स्थापना कब हुई थी, 1854 में हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड वॉश क्रो ऐप टू वार्न अबाउट कोविड-19। कोविड-19 के बारे में चेतावनी देने के लिए वॉश क्रो ऐप किसने विकसित किया। हमारा आंसर होगा IIIT दिल्ली ने, ये IIT नहीं है, IIIT है, इंद्रप्रस्था इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंद्रप्रस्था इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फुल फॉर्म बनती है, और दिल्ली में ये स्थित है। तो इसने ये वॉश क्रो ऐप लॉन्च किया है ताकि लोगों को कोरोना वायरस से संबंधित उन्हें चेतावनी दी जाए, उनके लक्षणों के बारे में बताया जाए, उनके बारे में सटीक इंफॉर्मेशन सटीक टाइम पे प्रोवाइड कराई जाए कि यह है अभी सिचुएशन अभी कोरोना वायरस की, तो इसलिए वॉश क्रो एप्लीकेशन लॉन्च की गई। साथ ही ये जो आपने अभी आरोग्य सेतु जो ऐप है वैसा ये काम करेगा, ये भी आपको अलर्ट करेगा कि आपके नियर बाई में कोई कोविड-19 का पेशेंट है या नहीं है, ऐसा ये वॉश क्रो एप्लीकेशन इसलिए ये तैयार की गई है। किसने, IIIT दिल्ली ने, ये IIT दिल्ली नहीं है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये IIIT दिल्ली है, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इसने ये वॉश क्रो एप्लीकेशन तैयार की है। हमें सिर्फ सिंपल इतना पता होना चाहिए वॉश क्रो एप्लीकेशन किसने तैयार किया, तो हमारा आंसर होना चाहिए IIIT दिल्ली ने इसे तैयार किया है। अच्छा, IIT रोपड़ ने क्या तैयार किया था, अभी वार्ड बोर्ड तैयार किया था, जो कि कहाँ किया, हिमाचल प्रदेश के ही, तो इन्होंने वार्ड बोर्ड तैयार किया था। और IIT बॉम्बे की बात करें तो इन्होंने अभी आयुषंक नामक का एक स्टेथोस्कोप तैयार किया था। IIT रुड़की की बात करें तो IIT रुड़की ने एक प्राण वायु नामक एक सबसे सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया था, इतना हमें इस न्यूज में पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन वर्ल्ड वाइड। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस हर साल विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है। हमारा आंसर होगा 23 अप्रैल को, तो 23 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है। कौन मनाता है इसे,
यूनेस्को इसे मनाता है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में और एड्रे ओजोले यहाँ के प्रेसिडेंट है। इतना हमें यूनेस्को के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, इसे यूनेस्को मनाता है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे को। कब से मना रहा है? 23 अप्रैल 1995, 1995 से इसे मनाता आ रहा है यूनेस्को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे को। अच्छा, वर्ल्ड बुक डे के ऊपर यूनेस्को हर साल किसी न किसी एक देश की कैपिटल को वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में घोषित करता है एक साल के लिए, 23 अप्रैल से आगे के एक साल के लिए। इस बार किसे चुना है? इस बार चुना है मलेशिया की कैपिटल कोलालंपुर को। मलेशिया की कैपिटल कोलालंपुर को इस बार का वर्ल्ड कैपिटल 2020 के रूप में घोषित किया है। अच्छा, इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है BACA केयरिंग थ्रू आउट रीडिंग। KL कोलालंपुर इसका मीनिंग बनता है और बोका केयरिंग थ्रू आउट रीडिंग इसकी थीम बनती है इस बार की 2020 की वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट दिवस की। अच्छा, इस दिन एक और डे मनाया जाता है 23 अप्रैल को। कौन सा मनाया जाता है? इंग्लिश लैंग्वेज डे। इंग्लिश लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसे भी हमें याद रखना है कि इंग्लिश लैंग्वेज डे हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, इसे क्यों मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है विलियम शेक्सपियर के जन्मदिवस के ऊपर ये मनाया जाता है। किसके? विलियम शेक्सपियर, उनके जन्मदिवस पर यह मनाया जाता है। और इसे भी यूनेस्को ही मनाता है। इसे भी कौन मनाता है? यूनेस्को ही इसे मनाता है इंग्लिश लैंग्वेज डे को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हु लॉन्च्ड हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड ऑन वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के उपलक्ष्य पर माई बुक माई फ्रेंड किसने लॉन्च की? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, रमेश पोखरियाल निशंक। तो रमेश पोखरियाल जी ने हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड नामक एक इनिशिएटिव लॉन्च किया। अच्छा, ये क्या है? तो इन्होंने एक ट्विटर पर भी एक वीडियो अपलोड किया, उनमें उन्होंने बताया कि व्यक्ति को 3 से 4 बुक एक साल में पढ़नी चाहिए, टेक्स्ट बुक पढ़नी चाहिए, इन्होंने कहा है रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। तो इन्होंने कहा कि अभी लॉकडाउन के टाइम पर आपको फ्री ना रह के आपको कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए, इसलिए इन्होंने एक हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड नाम से इनिशिएटिव लॉन्च किया है। रमेश पोखरियाल निशंक जी ने लॉन्च किया, जो कौन है? HRD मिनिस्टर है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर है, यानी मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। इनका निर्वाचन क्षेत्र बनता है हरिद्वार उत्तराखंड। और इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले और भी एप्लीकेशन लॉन्च की थी, जैसे समाधान कार्यक्रम इन्होंने लॉन्च किया, युक्ति पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया था, और भारत पढ़े ऑनलाइन, ये भी रमेश पोखरियाल निशंक जी ने ही लॉन्च किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हु लॉन्च्ड हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड ऑन वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। किसने विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के उपलक्ष्य पर हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड नामक इनिशिएटिव लॉन्च किया? तो हमारा आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक। तो रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो कि HRD मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्री है, इन्होंने हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड नामक एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। अच्छा, इन्होंने क्यों लॉन्च किया? तो इनका कहना है कि व्यक्ति को 3 से 4 बुक एक साल में पढ़ लेनी चाहिए, और अभी लॉकडाउन का टाइम है, तो लॉकडाउन के टाइम में आप फ्री ना रहकर आपको कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए, इसलिए इन्होंने ट्विटर पे एक वीडियो अपलोड किया और उस पे इन्होंने बताया कि कैसे आपको पढ़ना है लॉकडाउन के टाइम पे। 3 से 4 बुक के नाम पर उन्होंने बताया कि आपको बुक्स पढ़ती रहनी चाहिए। अच्छा, रमेश पोखरियाल निशंक जी की बात करें तो इनका निर्वाचन क्षेत्र बनता है हरिद्वार उत्तराखंड, और इन्होंने अभी और कुछ इनिशिएटिव वगैरह लॉन्च किए थे, जैसे समाधान कार्यक्रम इन्होंने लॉन्च किया था, युक्ति नामक पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया था, और भारत पढ़े ऑनलाइन, ये भी किसने लॉन्च किया था? रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। अच्छा, नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या लॉन्च किया था? ये हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, यानी हमारे कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। तो इन्होंने अभी किसान रत्न नामक का एक पोर्टल लॉन्च किया था, किसान रत्न नामक से, और एक ई नाम पोर्टल भी इन्होंने लॉन्च किया था। ई नाम पोर्टल भी नरेंद्र सिंह तोमर जी ने ही लॉन्च किया था। अभी G20 की समिट जो फार्मर्स की जो मीटिंग थी, इसमें भी एग्रीकल्चर्स की जो मीटिंग थी, इसमें भी नरेंद्र सिंह तोमर जी ने पार्टिसिपेट लिया था। इनकी बात करें प्रहलाद सिंह पटेल की, तो प्रहलाद सिंह पटेल हमारे टूरिज्म मिनिस्टर है, यानी पर्यटन मंत्री है प्रहलाद सिंह पटेल। इनका निर्वाचन क्षेत्र बनता है दमोह मध्य प्रदेश इनका निर्वाचन क्षेत्र बनता है। इन्होंने क्या लॉन्च किया था? इन्होंने लॉन्च किया था हैशटैग देखो अपना देश। क्या? देखो अपना देश इन्होंने लॉन्च किया था, प्रहलाद सिंह पटेल जी के टूरिज्म मिनिस्टर है। डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि स्वास्थ्य मंत्री है, हेल्थ मिनिस्टर है, इनका निर्वाचन क्षेत्र बनता है चांदनी चौक न्यू दिल्ली। और इन्होंने भी एक सहयोग नामक ऐप और पोर्टल लॉन्च किया था। किस नाम से? सहयोग नामक ऐप और पोर्टल किसने लॉन्च किया था? हर्षवर्धन ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन।
IMMF फॉर 2 ईयर टेन्योर, 2 साल के कार्यकाल के लिए अंतरराष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारा आंसर होगा राकेश शर्मा। तो राकेश शर्मा को IMMF मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है, जो कि अभी प्रेजेंट में बजाज ऑटो कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। किसके? बजाज ऑटो कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। अब इन्हें IMMA के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त कर लिए गए, जो कि 2 साल के लिए। ये IMMA क्या है? तो ये जो टू व्हीलर जितनी भी कंपनीज है उनका ये एसोसिएशन है। टू व्हीलर जो भी बाइक्स वगैरह आती है उनका जो कंपनीज है उनका एसोसिएशन कौन है? मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, ये उनका एक संगठन है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1947 को इसकी स्थापना हुई थी, और जेनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। जेनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर किसका? IMMA का। इतना हमें इस न्यूज में पता होना चाहिए। राजेश कुमार की बात करें तो राजेश कुमार को अभी सिबिल के क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड के CEO बनाए गए थे, और अजय महाजन की बात करें तो इन्हें केयर रेटिंग के MD CEO बनाए गए थे। केयर रेटिंग के MD एंड CEO बनाए गए थे। और UB प्रवीण राम को नासकॉम के प्रेसिडेंट बनाए गए थे। नासकॉम के प्रेसिडेंट किसे बनाया गया था? UB प्रवीण राव को। इतना हमें पता होना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF IM बैडमिंटन अवेयरनेस कैंपेन फ्रॉम इंडिया। भारत से बैडमिंटन विश्व महासंगठन के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हमारा क्वेश्चन यह है कि जो BWF बैडमिंटन फेडरेशन ने जो IM बैडमिंटन नामक का जो कैंपेन चलाया है उसका ब्रांड एम्बेसडर भारत की तरफ से किसे चुना गया है? इसमें कई ब्रांड एम्बेसडर्स को चुना गया है। लगभग 5 से 7 एम्बेसडर्स हैं, जिनमें से भारत के लिए जो भारत की तरफ से जो चुना गया है वो कौन है? PV सिंधु। पीवी सिंधु को इसमें ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। ये क्या है? IM बैडमिंटन। तो जो बैडमिंटन में जो रुचि रखने वाले जो लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने के लिए ये IM बैडमिंटन की शुरुआत की है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने। अच्छा, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए सिंपल इतना इंपॉर्टेंट है कि IM बैडमिंटन किसने शुरू की? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने। और किस लिए की? ताकि जो इंटरेस्ट रखते हैं बैडमिंटन में उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाए। और इसके ब्रांड एम्बेसडर भारत की तरफ से किसे चुना गया? तो पीवी सिंधु को इसे चुना गया है। अच्छा, पीवी सिंधु और किस किस की ब्रांड एम्बेसडर है? तो वो भारत के लक्ष्मी इनिशिएटिव जो प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था उसकी ब्रांड एम्बेसडर है, और साथ में दीपिका पादुकोण भी इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। और किसकी है? तो ये है एक वीजा कार्ड जो अपना था, ATM कार्ड वीजा कंपनी, उनकी ब्रांड एम्बेसडर है पीवी सिंधु। अच्छा, अमिताभ बच्चन किसके? तो अमिताभ बच्चन IDFC बैंक के अभी पहले ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए थे। किसके? IDFC बैंक के। सलमान खान को भारत पे का चुना गया है, और MS धोनी को पोकर स्टार जो गेम आता है ऑनलाइन उनका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। किसको? MS धोनी को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड तिरंगा फॉर रैपिड स्क्रीनिंग ऑफ COVID-19 सिम्टम्स। किस राज्य सरकार ने COVID-19 के लक्षणों की तेजी से जांच करने के लिए तिरंगा लॉन्च किया है, तिरंगा नामक इनिशिएटिव लॉन्च किया है? हमारा आंसर होगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु सरकार ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसमें आपको मैं बेसिक से समझाता हूँ। ये कार दिख रही है आपको, इस कार बिल्कुल पैक्ड है, इसमें स्वास्थ्य कर्मचारी के जो जांच करता है वो अंदर बैठे हुए हैं, वो पूरी पैक रहेगी, और इसी के अंदर बैठे बैठे बाहर से व्यक्ति की इंफॉर्मेशन ली जाएगी कि वो कहाँ मिला, किस किस से मिला, कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, और वो अभी कहाँ रह रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली जाएगी? यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, इस कैमरे से उसकी फोटोज ली जाएगी, उस फोटोज और उसकी वीडियो बना ली जाएगी, और यहाँ पे स्पीकर लगा हुआ जो अंदर से बैठे बैठे बोलेंगे और बाहर लाउड स्पीकर से वो आवाज़ जाएगी, और यहीं पे एक माइक लगा हुआ है तो इस माइक से जैसे बाहर से वो बोलेंगे अंदर आवाज चली जाएगी, ताकि इसके जो वायरस वगैरह वो अंदर स्वास्थ्य कर्मचारी को ना लगे, इसलिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। किसने? तमिलनाडु सरकार ने। हमारे लिए सिंपल इतना इंपॉर्टेंट बनेगा कि तिरंगा नामक इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया, तो हमारा आंसर होना चाहिए तमिलनाडु सरकार ने इसे लॉन्च किया था। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, इडापाडी के पलानीस्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री है, और बनवारीलाल पुरोहित क्या है? गवर्नर है। कर्नाटक की बात करें तो बेंगलुरु यहाँ की कैपिटल है, और YS येदियुरप्पा यहाँ के मुख्यमंत्री है, और विजय भाई वाला गवर्नर है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल हैदराबाद, और प्रस्तावित है अमरावती। अच्छा, प्रस्तावित क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था, और हैदराबाद कैपिटल तेलंगाना की भी है और हैदराबाद की भी है, लेकिन ये 10 साल के लिए रहेगी। जब इसकी स्थापना हुई थी तेलंगाना की 2014 में, तो 2014 से लेकर 2024 तक दोनों की कैपिटल सेम रहेगी। उसके बाद 2024 के बाद में आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगी? अमरावती हो जाएगी। तो अब 2024 तक कैपिटल दोनों की सेम रहेगी, हैदराबाद हैदराबाद, और उसके बाद अमरावती हो जाएगी।
तो और मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है YS जगनमोहन रेड्डी और विश्वभूषण हरिचंदनिया के गवर्नर है। केरल की बात करें तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री है और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है, आरिफ मोहम्मद खान। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विच स्टेट गवर्नमेंट गिव्स अप्रूवल टू सुजलम सफलम जल संचय अभियान अमिट कोरोना वायरस लॉकडाउन। तो कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच कौन सी राज्य सरकार ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान को मंजूरी दी है? हमारा आंसर होगा गुजरात। तो गुजरात सरकार ने, ये वेस्ट बंगाल, यहाँ पे गलत है आंसर, आंसर होगा गुजरात। तो गुजरात सरकार ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान की शुरुआत की, यानी शुरुआत उन्होंने 2019 में कर दी थी, फरवरी 2019 में। इसका तीसरे फेज की शुरुआत कर दी है, अब इसको मंजूरी मिल गई तीसरे फेज की। पहला फेज 2019 में स्टार्ट हो गया था और दूसरा फेज बीच में, अभी बीच में चला था, और तीसरा फेज अभी नया शुरू हो गया है। अच्छा, ये क्या है? तो अभी जैसे जून खत्म होगा, जून के बाद जो भी अपना जो मानसून आएगा, उस मानसून से पहले पहले जितने भी डैम वगैरह है, जितने भी बांध है, उनकी सफाई, उनकी मरम्मत, और जो भी वहां पे मतलब नदियां वगैरह है, वहां के जितने भी झरने हैं जो उनको बारिश के कारण प्रभावित होते हैं, उनकी सफाई वगैरह, उनकी मिट्टी हटाना, वहां पे जो नमक जमा हुआ है उनको हटाना, ये काम किया जाएगा सुजलम सफलम जल संचय अभियान के तहत। तो हमारे लिए सिंपल इतना इंपॉर्टेंट है कि सुजलम सफलम जल संचय अभियान किस राज्य सरकार की इनिशिएटिव है? तो हमारा आंसर बनेगा गुजरात सरकार की ये इनिशिएटिव है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मैसिव सैन फेरमिल बुल रन फेस्टिवल हैज बीन कैंसिल्ड दिस ईयर ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक, वेयर इट इज हेल्ड। आपको बताना है, कोविड-19 महामारी के कारण इस वर्ष बड़े पैमाने पर सैन फेरमिन बेल रन उत्सव आयोजित होना था, उसे रद्द कर दिया गया। आपको बताना है किस कंट्री, किस देश में आयोजित होना था? हमारा आंसर बनेगा स्पेन। तो ये स्पेन में होना था लेकिन कोरोना वायरस के कारण कैंसिल कर दिया गया। आपको पता है ये बुल रन फेस्टिवल क्या होता है? तो इसमें सांड जो होते हैं, जो बुल होते हैं, लगभग 6 से 10 बुल होते हैं, उनको गलियों में दौड़ाया जाता है और उनके साथ वहां के पार्टिसिपेट लेने वाले लोग भी उनके साथ दौड़ते हैं। तो उनकी रेस होती है कौन आगे निकले वगैरह ऐसा। तो ये फेस्टिवल कहाँ आयोजित होना था? स्पेन में, लेकिन इसे कैंसिल कर दिया गया। हमारे लिए सिंपल इतना इंपॉर्टेंट बनेगा कि बुल रन फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है? स्पेन में आयोजित किया जाता है। अच्छा, स्पेन की बात करें तो स्पेन की मैड्रिड तो यहाँ की कैपिटल है और यूरो यहाँ की करेंसी है। फ्रांस की बात करें तो पेरिस यहाँ की कैपिटल है और यूरो यहाँ की करेंसी है। पुर्तगाल की बात करें तो लिस्बन यहाँ की कैपिटल है और यूरो यहाँ पे करेंसी है। जर्मनी की बात करें तो बर्लिन यहाँ की कैपिटल है और यूरो यहाँ पे करेंसी चलती है। इन चारों कंट्रीज की करेंसी यूरो है, ये आप याद कर लो। तो यह था आज का कंप्लीट सेशन। आई होप आपको ये पसंद आया। तो आपको अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।